IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है भ। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम भा से भालू भोला भाला। बच्चों नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते कौन सी कहानी सुनाओगे? सब बहुत उतावले हो कहानी सुनने को हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की मेरी कहानी का अक्षर है भ। भा से भालू और भा से मैं यानी तुम्हारा भैया। शाबाश, भा से भैया। हाँ बच्चों, तो सुनो कहानी। एक था भालू भोला भाला। वो सबकी बहुत मदद करता था। वो सबकी इतनी मदद करता था कि सब उस पर बहुत भरोसा करते थे। भरोसा जानते हो ना? हाँ भैया, शायद वो विश्वास वाला। हाँ विश्वास, शाबाश। इसी बात पर बजाओ ताली, हर्ष के लिए जोरदार तालियां। हाँ बच्चों, भा से भरोसा। भा से भोला भाला, शाबाश। भालू भोला भाला सबके काम आता था। और हाँ, एक काम उसे और करना बहुत पसंद था। क्या भैया? उसे भजन सुनाना बहुत अच्छा लगता था। भा से भजन, भगवान। शाबाश, भा से भगवान। भैया मेरी मम्मी भी भजन गाती है। वाह क्या बात है। तो इसी तरह से वो भालू दादा भी भजन गाता और सब सुनते थे। जय 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 जय। हाँ, और बच्चों पता है, जंगल के सारे पशु पक्षी भालू का भजन सुनने आते थे। जैसे भेड़ आती थी, बकरियां आती थी, भासे भेड़, बकरियां आती थी, कुत्ते आते थे, नील गाय आती थी, भैंस भी आती थी, भैंसे भी आते थे, बंदर भी आता था, ये सब आते थे। भासे भेड़, भासे भारत, क्या बात। भासे भूसा, भासे भागना, भाभी, भारती, भासे भिंडी, भैया भासे भाटिया अंकल। हाँ भाटिया अंकल, भासे भाटिया, भैया भासे भारती, भासे भारती, भासे भागती, भासे भागती, भासे भेद, भासे भूरा, भरना, भासे भरना। शाबाश भैया, आगे कहानी तो सुना। हाँ सुनाता हूँ। तो बच्चों जानते हो पर क्या हुआ? क्या हुआ? एक दिन की बात है, भेड़ ने भालू से कहा, हम सब भेड़िये से बहुत दुखी हैं। वो हम सबको बहुत तंग करता है भालू भैया। हमें डराता है, हमें धमकाता है और कहता है कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा। और वो उन सबको पीटता भी है। हाँ पीटता भी है। और वो भेड़िया ने जंगल से बाहर भगा दिया था उनको। हाँ बाहर भगा दिया था, भा से भोजन। हाँ भेड़िया उन सबका भोजन छीन लिया करता था। भा से भोजन, भा से भेड़, भा से भालू और भा से भेड़िया। तो सुनो ध्यान से सुनो आगे क्या होता है। अब भालू बोला, देखो हम सबको मिलकर कोई जुगत लगानी होगी, कोई तरकीब सोचनी होगी। हम सब मिलकर उसे सबक सिखा सकते हैं। तब चींटी बोली, पर हम तो इतने छोटे छोटे हैं, इतने बड़े भेड़िये को भला कैसे सबक सिखाएंगे? हम उसे भला कैसे हराएंगे, ये तो बताओ। तब पता है भालू क्या बोला? क्या बोला भैया? तब भालू बोला, तुम भयभीत मत हो, यानी डरो मत। हम सब अगर मिलकर काम करें तो भेड़िये का भूत भगा सकते हैं। भा से भूत, भा से भयभीत, भा से भेजा, भा से भयंकर, क्या भैया, भा से भूमि, भा से भयानक, खतरनाक। तू नहीं मैं बोलूं। आगे सुनाओ। हाँ भैया। बच्चों सबको भालू दादा पर पूरा भरोसा था। भा से भरोसा। तुम खाओगे समोसा। हाँ बच्चों, तब भालू ने सब जानवरों के कान में कुछ कहा,
समझ गए, सब समझ गए ना? हाँ समझ गए भालू दादा, सब समझ गए। फिर जैसा भालू ने समझाया सबने वैसा ही किया। क्या किया भैया? क्या किया बताता हूँ। तो अब भैंसा जमीन पर बैठ गया। भैया भैंसा। अब भैंसा जमीन पर बैठ गया और उस पर भेड़े बैठ गईं। भैंसे भेड़े। ये क्या हो रहा है? अरे सुनो तो सही। फिर भारी भरकम हाथी दादा ने उन पर ढेर सारी भभूत डाली, खूब भर भर कर उनको पूरा ढक दिया भभूत से। अच्छा भभूत पता है ना क्या होती है? मैं बताऊं। हाँ हाँ बताओ बेटा। भभूत? हाँ, जब हम कुछ चीज जलाते हैं ना, लकड़ी वगैरह, तो वो क्या हो जाती है? राख बन जाती है ना। राख मैंने आग। जिसको मीठा लगती है वो एक लकड़ी लकड़ियां लेता और दो पत्थर को लेता ऐसे रगड़ता तो आग जल जाती है। जब आग लगती है उसमें वो हाँ जलकर राख बन जाती है, यानी भभूत हो जाती है वो। बिल्कुल सही समझे तुम। तो हो जाए ऐसी बात पर एक बार ताली। बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम। तो बच्चों, भारी भरकम हाथी ने भभूत डालकर सबको ढक दिया और फिर चींटियों की सेना आई, वो उन सब पर बैठ गई, सबको ढककर काला काला कर दिया। अब पता है वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा काला भूत लगने लगे थे। बहुत बड़ा काला भूत, बहुत बड़ा। हाँ, तो भासे भूत। जब भेड़िया उन्हें तंग करने के लिए आया तो देखा वहाँ तो डरावना सा भूत बैठा हुआ है। भेड़िया तो डर गया। वो तो बुद्धू बन गया। हाँ। आपसे तो समझ ही नहीं आया। बिल्कुल, भेड़िया तो डर के मारे कांपने लगा। तब सब एक साथ मिलकर चीखे और बोले, भेड़िये मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भेड़, बकरी, कुत्ते, गीदड़, भैंसा, भंवरे सब मिलकर एक साथ चीखे, चलो एक काम करते हैं, हम भी एक साथ बोलेंगे। मैं बोलूंगा एक दो तीन, तब सब बोलना, ठीक है? एक दो तीन, भेड़िये मैं तुझे खा जाऊंगा। बिल्कुल सही। हाँ, सबने एक साथ ऐसे ही बोला, भेड़िये भेड़िये मैं तुझे खा जाऊंगा। तू सबसे लड़ता है ना? हम तुझसे लड़ेंगे। हाँ, हम तुझसे लड़ेंगे। वो बोला, तू सबसे लड़ता है ना, अब तेरी बारी, मैं तुझे पीटूंगा। भारी बोली को सुनकर भेड़िया भागने लगा। हाँ, तो भासे भूत, भासे भाई और भासे भयानक, भासे भेड़िया। तो बच्चों सुनो, जब भेड़िया डर कर भागने लगा तो सब जानवर जोर से हंसे। और जब सब हंसे तो भांडा फोड़ हो गया, भासे भांडा फोड़। भेड़िये ने देखा, अरे ये सब तो जानवर थे, भूत नहीं था। अच्छा बताओ, क्या भूत भूत कुछ होता है? नहीं भैया। हाँ सही कहा, सही कहा, भूत भूत तो कुछ होता ही नहीं। जब भी तू पारोगे क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, तो बच्चों तब भालू भेड़िये से बोला, देखो भाई, तुम भी ऐसे ही सब जानवरों को डराते हो, तंग करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे किसी को तुम पर भरोसा ही नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, गंदी बात। हाँ, तो बच्चों भालू आगे बोला, देखो अब तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे डरे नहीं, अब तुम करो इसकी भरपाई। तो बच्चों भासे भरपाई। हाँ, अब भेड़िये ने अपनी गलती मानी और सबको अपने घर दावत पर बुलाया। पार्टी। 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 पार्टी।
तो बच्चों भेड़िये ने कुत्ते, बकरी, भालू, भैंसा, भेड़ सबको अपने दोस्त बना लिया। फिर उसने सबके लिए खुद अपने हाथों से खाना परोसा। लो चीटी बहन, तुम चीनी खाओ। अरे भालू, तुम शहद ले लो। ये तुम आलू खाओ। और हाथी भाई, ये लो तुम गन्ना खाओ। अरे भंवरे, तुम भी तो कुछ खाओ पियो। देखो ना कितने सारे गुलाब के फूल रखे हैं यहाँ पर। खाओ खाओ खाओ। पूड़ी खा लो। मुझे पकौड़ी दे दो। मुझे पड़ी रोटी, पानी दे दो। पानी पियो, पानी पियो। तो बच्चों, अब भेड़िये ने सबको तंग करना छोड़ दिया। अब वो सबका अच्छा दोस्त बन गया था। एक था भालू भोला भाला, भोला भाला भालू, भोला भाला भालू। ओ, एक था भालू भोला भाला, काम सभी के आता, मेहनत करता, भजन सुनाता। जय 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 जय, ओ जय 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 जय, जय 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 जय, बोलो जय 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 जय। हाँ, मेहनत करता, भजन सुनाता, काम ही उसको भाता भाता भाता। भालू भोला भाला, भसे भालू भोला भाला, भसे भजन भाता, भसे भजन भाता। पशु भयभीत भेड़िए से कैसे टकराए, कैसे समझाए और कैसे उसका भूत भगाए। सभी पशु भयभीत भेड़िए से कैसे टकराए, कैसे समझाए और कैसे उसका भूत भगाए। भसे है भयभीत भेड़िया, भसे भूत भगाए, भसे भूत भगाए। हम सब मिल कुछ ऐसी जुगत लगाए हैं, या तो भेड़िया भाई बने सुधरे या उसे भगाए। भसे भालू भाई भेड़िया और भसे भगाए। पहले भैंसा बैठा, उस पर बैठी भेड़े, और उस पर भंवरे। पक गए भारी भैंसे से गीदड़, कुत्ते, बकरे। भसे होता भैंसा भारी, भसे भेड़े भंवरे। भारी भरकम हाथी ने भर भर डाला भभूत, चींटी की सेना ने सबको ढका तो बन गए भूत। भारी भरकम हाथी ने भर भर डाला भभूत, चींटी की सेना ने सबको ढका तो बन गए भूत। भसे भारी भरकम भूत, भर भर और भभूत। सबने चीखा एक साथ, आ भेड़िये तुझे मैं खाऊं। तू सबसे लड़ता तंग करता, तुझको मार भगाऊं। आ भेड़िये तुझे मैं खाऊं। भसे होता भेड़िया, भसे है भगाऊं। भसे होता भेड़िया, भसे है भगाऊं। भारी तन भयानक बोली, भेड़िया ताबड़ तोड़। भूत भूत करके भागा, सब हंसे तो भांडा फोड़।
भसे भारी भूत भयानक भसे भांडा फोड़, भसे भारी भूत भयानक भसे भांडा फोड़। फिर पता है भालू ने क्या कहा? सुनो भेड़िए, ये भी तुमसे डरते मेरे भाई, रहो प्यार से करो कुछ ऐसा जो होवे भरपाई। भसे भालू भी भेड़िया और भसे भरपाई, भसे भालू भी भेड़िया और भसे भरपाई। खूब परोसा अब ना करता तंग भेड़िया, सबको बड़ा भरोसा, सबको बड़ा भरोसा, सबको बड़ा भरोसा। एक था भालू भोला भाला, भोला भाला भालू, भोला भाला भालू, भोला भाला भालू, भोला भाला भालू। भासे भालू भोला भाला। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, चारू, नीरू, मौलिक, हृदय और सोफिया, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर नेहा, रक्षित, आभा, मेघा, खुशबू, ममता और आरुषि, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो, आलेख, गीत, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।